नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डायट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम कर रही हूँ। अभी अभी थोड़े दिन के पहले ही मैंने पाइल्स फिस्टुला एंड फिशर की वीडियो रखी थी कि उसमें क्या क्या करना चाहिए, तो बहुत सारे साधकों का ऐसा क्वेश्चन आया था कि आपने बताया कि अनार का जूस पीने का है तो वो कैसे पिया जाता है। तो मैं आज आपको बता रही हूँ कि अगर आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो तो लगातार जब तक ठीक नहीं होता है तब तक ये अनार का जूस डेली पीना है। लेकिन इसके साथ साथ में आपको सुबह में भी ग्रीन जूस पीना होगा और रात को भी ग्रीन जूस पीना होगा। ये जूस पीने का कोई टाइम नहीं है, आप जब भी फ्री होते हो घर पे तभी ये पी सकते हो। सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी ये जूस पी सकते हो। ये जो अनार है वो बहुत ही हेल्दी चीज है कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी बिल्ड करता है। हमारे इंटेस्टाइन में जो भी सूजन आ गई है या पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके उसमें ये जो अनार है वो बहुत ही फायदेमंद है। इसमें एक ऐसा भी गुण है कि इसके अंदर जो दाने के बीच बीच में व्हाइट कलर का जो पोर्शन होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या बात करती हूँ। तो सबसे पहले तो एक इंसान के लिए पहले दिन हाफ अनार ही पीना है और फिर दूसरे दिन आप आधा ज्यादा पी सकते हो। लेकिन ये जो बीच का पोर्शन है इसके बीच बीच में बहुत जाली होती है। यहाँ पे जो जाली दिखाई देती है मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। ये जो अनार है इसके बीच में इतनी पतली पतली जाली होती है, हर दाड़म अनार के बीच बीच में ऐसा पार्टीशन आता रहता है, सभी जगह पे ऐसा होता है। तो किसी को कब्ज का प्रॉब्लम हो तो ये अंदर का पार्ट के सहित अगर जूसर में जूस पियेंगे तो कब्ज का प्रॉब्लम भी चला जाएगा। लेकिन ये जो प्रयोग है वो एक दिन करोगे फिर 10 दिन नहीं करोगे तो कोई उसका फायदा नहीं होता है। लगातार कोई भी चीज को पकड़ के रखना पड़ता है, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन या फिर 1 महीने तक ये पकड़ना पड़ता है। जब तक आपको ठीक नहीं होता तब तक ये लेना है। जैसे हम दवाई का कोर्स है बीपी का या डायबिटीज का तो 20-20 साल से लेते हैं, तो ये ऐसे ही जो हमारा शरीर में प्रॉब्लम होता है तो जब तक क्योर नहीं होता है तब तक ये जूस का आपको उपयोग करना है। इसके साथ साथ में भी ठंडी पट्टी मतलब कि वेट पट्टी वो भी आपको सर पे, गले पे और पेट के ऊपर लगानी होगी। तो ये जो पट्टी है वो भी हमारे ही NDS हेल्थ सेंटर पे अहमदाबाद से आपको मिल जाएगी। अगर आप कहीं पे भी रहते हो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, तो हम कुरियर से आपको भेज देंगे। तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हो। तो ये जो वेट पट्टी है वो पूरे शरीर में जितनी भी गर्मी होती है वो सारी खींच लेती है और पूरा शरीर है वो गर्मी से बच बच जाता है। तो ये अभी समर में पाइल्स का बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, हिंदी में इसको बगंदर भी बोलते हैं, मस्से बोलते हैं, पाइल्स बोलते हैं, तो फिशर बोलते हैं। ये जो सारा प्रॉब्लम है वो हमने पूरी जिंदगी गलत खाया था, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, चाय, दूध, खिचड़ी, पराठा, ये सब हमने गलत खाया था, उसकी वजह से हमारा शरीर जो है वो इतना परेशान हो रहा है। तो हमें ये जो अनार का जूस है वो कैसे बनाना है वो विधि मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए पूरा का पूरा ये छिलका सहित अनार लेना है और इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लेना है, अंदर का भी कुछ नहीं निकालना है, बाहर का भी नहीं निकालना है। जितना भी अनार है इसको छोटे छोटे ऐसे टुकड़े कर कर के आपको काट लेने हैं।
ये जो एक अनार था उसके मैंने पूरा का पूरा काट लिया है और बिल्कुल इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। तो ये पूरा का पूरा अनार है, इसको मैं जूसर में ले लेती हूँ। बिना पानी डाले ही मैं पहले पीस लेती हूँ और फिर उसके बाद में पानी डाल के चर्न कर लेंगे। तो थोड़ा सा पीस जाने के बाद पानी डालना है और आपको जितना गाढ़ा पी सकते हो उतना भी पी सकते हो। एक ग्लास दो ग्लास तक आप एक अनार में से बना सकते हो। थोड़ा सा पानी डाल के मैं पहले पीस लेती हूँ, उसके बाद फिर से पानी डाल के पीसना है। तो ये हमारा जो पूरा का पूरा अनार है वो पानी के साथ में हमने क्रश कर लिया है। तो ये हमारी छन्नी है एनडीएस हेल्थ सेंटर की। इतनी बड़ी छन्नी में आप ये जो हमारा बर्तन होता है उसके ऊपर पूरा रख देने के बाद ये जो हमारा जूस है इसको हम पूरा इसमें डाल देंगे। ये जो अनार का जूस है या फिर पालक का जूस है, ग्रीन जूस है, ग्रीन जूस कैसे पीना है इसकी भी YouTube पे हमारी वीडियो है। तो आपको ग्रीन जूस भी कंपलसरी पीना है और ये अनार का जूस भी पीना है। लेकिन आप ऐसा मत समझना कि ये अनार का जूस पी लेंगे तो पाइल्स ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ में NDS हेल्थ सेंटर यूट्यूब चैनल डॉक्टर झरना पटेल मेथड 2 इसको आपको लगातार 25 दिन तक फॉलो करना पड़ेगा तो ही पाइल्स जाएंगे। किसी को पाइल्स जो होते हैं वो 10 साल से होते हैं या 5 साल से होते हैं तो ये 25 दिन में नहीं ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपको लगातार 1 महीना 2 महीने के लिए मेथड 1 मेथड 2 इसको फॉलो करना पड़ेगा। पकाया हुआ भोजन का बिल्कुल त्याग करना पड़ेगा। रोटी सब्जी दाल चावल खिचड़ी ये बंद करना होगा, चाय दूध छाछ दही ये भी बंद करना होगा, तभी आपको ये जूस से फायदा होगा। नहीं तो आपको फिशर का ऑपरेशन भी करवाना पड़ेगा और पूरी जिंदगी दवाई भी लेनी पड़ेगी। तो अगर आपको इस चीज से बच जाना हो तो इसके साथ साथ में मेथड 2 करनी बहुत ही जरूरी है। तो ये जो सारा जूस है वो ये छन्नी का इतना फायदा है कि इससे हम पूरा का पूरा जितना जूस है वो सारा निचोड़ के ले लेते हैं। अभी ये जो इसके अंदर जो वेस्ट बचा है इसको भी फेंक नहीं देना है। फिर से इसको फिर से इसके अंदर आधा ग्लास या एक ग्लास पानी डाल के फिर से चर्न करके इसको फिर से हमें छन्नी से छान के फिर दूसरा भी ग्लास बनाना है, क्योंकि इसमें अभी और भी सत्व तत्व बहुत ही है। लेकिन मैं जस्ट आपको बना के बता के दिखा देती हूँ कि इसको भी फेंक नहीं देना है। पूरे घर में कोई किसी को फिस्टुला नहीं हो तो भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लेटरिन में जो मल आता है तो वो निकलने में हमें बहुत ही परेशानी होती है। खून निकल जाता है, सूजन आ जाती है, आंखों में पानी आ जाता है। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि लेटरिन करने जाओ तो 3 मिनट में बात फिनिश हो जानी चाहिए, लेकिन अगर आपको 5 मिनट या 10 मिनट लगती है तो इसको कब्ज बोलेंगे। और हम जो खाते हैं वो वेस्ट जब निकलता है तो वो इतना गाढ़ा होता है कि मल द्वार से निकलने में बहुत ही तकलीफ होती है। तो जिसको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो ये जूस आज ही पीना चालू कर दो। कोई दवाई की जरूरत नहीं है। हमारा जो ये एनडीएस सिस्टम है, न्यू डाइट सिस्टम, वो वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन है। मतलब कि कोई भी चीज है उसका उपचार हमारे ही पास है, लेकिन हम ढूंढते हैं मेडिकल स्टोर में। तो ऐसा कुछ पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने चाट मसाला लिया है, आप संचल पाउडर भी ले सकते हो या फिर सिंधव नमक भी ले सकते हो, स्वाद अनुसार डालना है। अगर आपको नींबू पसंद हो तो नींबू भी इसमें डाल सकते हो। तो नींबू जो है वो भी अच्छा लगता है इसके अंदर।
तो ये सारा का सारा मिक्स हो गया है, मैं ग्लास में पोर कर लेती हूँ। मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको पी के दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे तो अच्छा लगता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दवाई है तो पाइल्स वाले पेशेंट ही पियेंगे। मैं भी आपको पी के दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। ऐसा हो सकता है कि ये जूस पीने के 2 घंटे के बाद आपको लेटरिन आ जाए, प्रेशर आ जाए, तो आप जब भी घर पे हो तभी ये जूस पीजिएगा। नहीं तो फिर ऑफिस में प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर कहीं पे बाहर जाते हो तो लेटरिन आ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जो है वो सफाई का काम करेगा पेट में, और जो मल है उसको पतला कर देगा, स्मूथ कर देगा, जो गाढ़ा मल होता है उसको सॉफ्ट कर देता है। तो ये जो है जब भी आप घर पे हो, अगर शाम को ऑफिस से आ जाते हो 6 बजे तो भी पी सकते हो, 7 बजे आ जाते हो तो भी पी सकते हो, तो रात को जब 12 बजे सोते हो उसके पहले पेट साफ हो जाएगा, और जो पाइल्स है उस वो सूजन भी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, पेन है वो कम हो जाएगा, और जो हमारी इंटेस्टाइन है वो बहुत ही क्लीन हो जाएगी। तो ये जूस पीना बहुत ही सेहत के लिए फायदेमंद है, तो मुझे तो अच्छा लगता है ये जूस। तो अगर किसी को कब्ज नहीं है और ये जूस पिएगा तो उनको डायरिया भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन सिर्फ जो स्किन है उस पे ग्लो आएगा, हमारा ब्लड ज्यादा बनेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। तो अनार है उसके बहुत सारे फायदे हैं, हेयर भी शाइनी होते हैं। मैं जूस पी के बताती हूँ, मुझे तो सब कोई जूस पसंद है। बहुत टेस्टी जूस है, आप भी ये बनाइएगा, और ये बनाने में बहुत ही इजी है। सिर्फ एक ही चीज है हमारे पास, अनार, और उसका हमने जूस बना लिया। तो ऐसा जूस अगर आप पियोगे तो पाइल्स का, फिस्टुला का और फिशर का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो बहुत ही टेस्टी जूस है, किसी को फिशर ना हो जाए इसके लिए भी ये जूस पी सकते हो, पाइल्स ना हो जाए इसके लिए भी ये जूस पी सकते हो। और ये जूस पीते हो या नहीं पीते हो, आपको पाइल्स हुआ है कि नहीं हुआ है, आप और आपके पूरा फैमिली सदा स्वस्थ रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो स्वस्थता के लिए सबसे पहले स्वच्छता जरूरी है, तो स्वच्छता घर में भी करनी है और हमारे शरीर में भी करनी है। तो हमारा जो शरीर है वो क्लीन होगा तो कभी फिशर का प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। तो ये जो एनीमा का पॉट है वो सबके घर में होना चाहिए। एनीमा पॉट घर में लाके रख दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन इसका उपयोग करना है। जब भी आपको फिशर का प्रॉब्लम हो, एनीमा की पाइप से आपको दर्द होता हो, तो आप हमें व्हाट्सएप से मैसेज करके भी पूछ सकते हो कि कौन सी ट्यूब लगानी है। तो स्पेशल फिशर के लिए, पाइल्स के लिए मैं एक ट्यूब का नाम भी सजेस्ट कर दूंगी, वो भी आप लेके आओ मेडिकल स्टोर से, और फिर वो मल द्वार में आप लगा देना, तो उससे भी आपको राहत हो जाएगी। और हमारा जो एनीमा पॉट है उसमें बहुत ही सॉफ्ट कैथेटर होती है, तो अगर आप कर सको तो एनीमा करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पेट में कचरा होता है उसकी वजह से ही पाइल्स का प्रॉब्लम होता है। तो एनीमा से सफाई कर दोगे तो पाइल्स भी ठीक हो जाएगा। तो सुबह में 3 बार एनीमा करना है और रात को भी 3 बार एनीमा करना है। एनीमा करते वक्त अगर आपको मल द्वार में पेन होता हो तो 10 मिनट या 30 मिनट तक आप पानी के ठंडे टब में बैठ के अगर 15 मिनट 20 मिनट बैठे रहोगे तो हमारे शरीर में जितनी भी गर्मी है वो सारी गर्मी निकल जाएगी, और मल द्वार जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। और फिर इसके बाद में आप अगर एनीमा कर लोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो पाइल्स जो है उसकी भी मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है कि जिसमें पूरा समझाया है कि क्या क्या करना है सुबह से रात तक, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। और ये जो है वो जूस पियोगे आप तो भी आपको पाइल्स ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को बरसों पुराना पाइल्स का, फिसर का जो प्रॉब्लम है वो NDS से खत्म हो गया है, आपको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए हम ये सिस्टम की आपको सारी की सारी वीडियो बताते रहते हैं, इसको फॉलो करोगे तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे।
आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955, यही हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आपको एनिमा पॉट मंगवाना हो तो यही नंबर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हो, या तो फिर आप हमारे ही व्हाट्सएप नंबर पे आपका एड्रेस भेज दो, हम आपको बैंक डिटेल भेज देंगे और हम आपको एनिमा की पूरी किट भेज देंगे। तो आपको सदा स्वस्थ रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा प्रसन्न रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।